टेंट टॉपिक देखिए अगर हम स्पीकिंग करते हैं ना तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार दिमाग में आता है कि अगर मैं कभी बता रहा हूँ मेरी पावर एबिलिटी या फिर कैपेसिटी जो सपोज देट आप कहते हो राम स्कूल जा सकता है राम मुझे पढ़ा सकता है तो राम के पास ये एबिलिटी है ना तभी तो वो आपको पढ़ा सकता है जैसे मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ तो इट्स माई पावर इट्स माई एबिलिटी इट्स माई कैपेसिटी देव आई एम एबल टू डू दिस वॉक सो जब कभी भी आप किसी काम को करने के लिए सक्षम होते हो या आप उसको हमको कर सकते हो तो इस केस में आप लोग क्या करते हो यूज करते हो ये तीन मॉडल्स का कौन कौन से हैं पहला है कैन दूसरा है गुड तीसरा है विल बी एबल टू तो. गोड एट तो देखिये कैन गुड विल बी एबल टू ट्राई टू स्पीक बोल के देखिए कैन गुड विल बी एबल टू अभी ना ही आपको लिखना है ना ही अभी आपको कुछ करना है सिर्फ सुनते जाना है और मैं जैसा बोलू मुझे फॉलो करना है गॉड एट ओके देखिए जो केन होता है ना वो आपकी बताता है प्रेजेंट टाइम की पावर मैंने कहा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो यह अभी कब की पावर है मेरी प्रेजेंट टाइम की पावर है गॉड एट इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको पढ़ा सकता हूं बट अगर इसी सेंटेंस को मैं कहता कि मैं आपको पढ़ा सकता था तो ये मेरी जो पावर है ना ये मेरी पास्ट टाइम की है और अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा सक सकूंगा ठीक है या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा तो ये मेरी एबिलिटी कब की होगी मेरी पावर कब की होगी ये होगी फ्यूचर टाइम की कब की, की होगी ये मेरी पावर फ्यूचर टाइम की करेक्ट ये तीनों चीजें क्लियर होगी कि प्रेजेंट है तो कैन लगाना है पास्ट है तो आपका कुड लगाना है अगर आपका फ्यूचर में एबिलिटी बताना है आपको तो आपको विल बी एबल टू लगाना है ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं पहला कैन का।, का हम यूज करते हैं हमको है। है, पता गया कि ये पावर की बात कर रहे हैं एबिलिटी की बात हैं प्रेजेंट टाइम में कैन तो का यूज करना पड़ेगा लेकिन सेंटेंस बनेगा कैसे ये भी तो माइंड में है। कुछ नहीं करना सब्जेक्ट आपको पता है राम है ठीक है काम का, का हुआ है यहां पे इंग्लिश बोलने का गॉट इट इसके बाद में हमारे पास में लास्ट में क्या आया था सकता है जो कि मॉडल कैन का सेंटेंस था तो बना लेते ना देखिए सब्जेक्ट मॉडल वब देन वब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना मॉडल वब लगाओ और जो वब आइए उसको बोल दो बस सिंपल तो बोल के देखते हैं राम कैन स्पीक इंग्लिश मैं डांस कर सकता हूँ आई कैन डांस आप मुझसे मिल सकते हो यू कैन मीट टू मी वह स्कूल जा सकती है सी कैन गॉड स्कूल आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं यू कैन ज्वाइन द क्लास इसी का अगर मैं बोल दूं कि राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है तब क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश क्योंकि नेगेटिव की जब भी बात होती है तो आप लोगों का नॉट का सेंस आता है ये तो आपको क्लियर ही होगा जैसे हमने कहा आप बर्तन नहीं धो सकते हो यू कैन नॉट वॉश डिजिस आप वीडियोस नहीं बना सकते हो यू कैन नॉट मैक क्या आप वीडियोस बना सकते हो अब देखिए मैंने क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग किया इट मीन कि मेरे सेंटेंस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूं आई से मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूं बट एक क्वेश्चन है कौन सा जिसका फुल्ली आंसर देना है या फिर जिसका शॉर्ट आंसर देना है तो मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिस कैन का स्टार्टिंग में यूज किया क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे मॉडल वर्ब सामने आ जाती है क्या आप वीडियोस बना सकते हैं कैन यू मैक वीडियो सो ये तो हमारा पूरा का पूरा कैन का कॉन्सेप्ट अब हम बात करते हैं कुड के बारे में क्योंकि अगर हम इतने ही स्लो पढ़ते चलेंगे तो हम लोगों का तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो आपने इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा अब मैं बात करता हूं आपसे कुड के बारे में कुड क्या मीनिंग देता है कुड देता है सकता था शका या पाया का सेंस मैंने कहा मैं आपसे मिल पाया मैंने आपसे बात कर पाया आपने मुझे पैसे दे पाए तो ये सारे मैं कल वहां जा सकता था तो ये सारा जो सेंस होता है ये होता है हमारा कुड का फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जा सकता था ही गुड, गुड स्कूल गुड का यूज क्यों किया? क्योंकि हमने पास्ट की बात किया मैं आपको पढ़ा सकता था आई कुड टीच यू मैं वीडियो बना सकता था आई कुड मैक वीडियो वह मुझसे मिल सकती थी सी कुड मीट टू मी मैं मार्केट घूमने जा सकता था आई कुड विजिट टू मार्केट आप मेरी वीडियो नहीं देख सकते थे यू कुड नॉट वॉच माई वीडियो क्योंकि नेगेटिव का सेंस आ गया तो कुछ नहीं किया हमने नॉट लगा दिया है ना इजी वह मुझसे बात नहीं कर सकती थी सी कुड नॉट टॉक टू मी क्या आप मुझसे बात कर सकते थे कुड यू टॉक टू मी कुछ किया मैंने क्योंकि क्यों भैया इंटरगेटिव सेंटेंस है से, और ऑल द सेंटेंसेस विच आर स्टार्टिंग इन हिंदी वर्ड क्या सो so यू sentence, में आप लोगों का क्या होता है आप लोगों का जो मॉडल वो होता है या जो कोई भी हेल्पिंग वब होता है वो आपका सामने आ जाता है गड इट लेट्स भी आप बताते हैं कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा वह मुझसे मिल पाएगी वह ना मेरी हेल्प कर पाएगी तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना होता है विल बी एबल का किसका विल बी एबल का वह कल शादी में जा पाएगी she will be able to go to marriage tomorrow. Tomorrow यानि आने वाला कल Yesterday मतलब बीता हुआ कल मैं आपसे मिल पाऊंगा I will be able to meet you. Will be able to को अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आपकी fluency नहीं आएगी तो आपको अगर इसे fluently बोलना है तो आपको इसे एक साथ बोलना पड़ेगा मेरे साथ आप दोहराइए Will be able to. Will be able to. I hope कि आप लोगों ने दोहराया होगा चलिए अब बात करता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट इसी के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जैसे कि होता है वह इसको समझ नहीं पाएगी सी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना वह क्रिकेट नहीं खेल पाएगा ही विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे विल यू बी एबल टू ट्राई टू स्पीक विल यू बी एबल टू विल यू बी एबल टू प्ले क्रिकेट विल यू बी एबल टू प्ले क्रिकेट क्या आप डांस कर पाओगे विल यू एबल टू डांस विल यू बी एबल टू डांस अब मैं आपसे कुछ सेंटेंस पूछता हूं आपको इनका इंग्लिश करना है आपको कैन समझ में आ गया कुड समझ में आ गया विल बी एबल टू समझ में आ गया कैन का यूज सकता है कुड का यूज सकता था या पाया सका विल बी एबल टू का यूज सकेगा पाएगा चलिए गल रेपिड फायर प्रैक्टिस मैं आपसे बात कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू टॉक टू यू आप बनाइएगा देन मैं आपको आंसर बताऊंगा वह मुझसे मिल सकते थे शेक मीटो मी आप खाना पका सकते थे यू कड कट बना लिए ना आपने ये वाला आप मेरी वीडियो देख पाओगे क्या सोचा यू विल बी एबल टू वॉच माई वीडियो मैं कल दैली जा पाऊंगा आई विल बी एबल टू गोट दैली टूमोरो सेंटेंस का आंसर दीजिएगा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं क्या बनाया वी कैन नॉट टॉक टू यू आई होप डो कि आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा से क्लियर हुए होंगे और आपने सारे सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया होगा अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है सुनाओ so इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ में ये इंग्लिश के छोटे छोटे लेसन के थ्रू इंग्लिश सीख पाएँ और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ है चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर पाओ सो लव यू ऑल मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेटर अब हैव है गुड डे